ত্রিপুরা নিয়ে আজ রাষ্ট্রপতির কাছে সময় চাইবেন তৃণমূল সাংসদরা। তাদের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানাবেন তৃণমূল সাংসদরা বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও তারা দেখা করার আর্জি জানাবেন। আমরা বিস্তারিত কথা বলবো, ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর। নীরজ, কে জানকারি মিল রই আভি? देखिए, तृणमूल के सांसद दिल्ली का कल रात को देर रात पहुंचे थे और आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी वक्त मांगा है, जो अभी मिला नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति से कंफर्म है कि वो आज मिलेंगे। और त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है, जो टीएमसी के वर्कर्स हैं, नेता हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उनको उनके उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेके वो राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे। और ये पार्टी पहले ही इस बारे में संकेत दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामले को डाला जा सकता है, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी पार्टी इस मामले में जा सकती है। तो कुल मिलाकर आज दिल्ली में काफी गहमा गहमी रहने वाली है। टीएमसी के सांसद विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, वक्त अभी तय नहीं है, लेकिन विरोध धरने पर बैठेंगे। और आज खुद ममता जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल है, वो भी दिल्ली में है। और काफी आज जो है वो जो राजनीतिक पारा है दिल्ली में, काफी चढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। क्या होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे? क्या समय मिल पाई वैसे कुछ? अभी समय नहीं कंफर्म हुआ है कि कितने बजे तक मिल पाएंगे, के वक्त मांगा गया है। और होम मिनिस्टर आज दिल्ली में है या नहीं है, ये भी अभी उनके कार्यक्रम से साफ नहीं हुआ है। जाहिर है कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि गृह मंत्री से उन्हें वक्त मिलता है या नहीं मिलता। धरने भी होने वाले, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आज टीएमसी सांसद जो है वो धरने पे बैठेंगे, जो त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में, और उसके बाद ही राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे। राष्ट्रपति के वहाँ कब जाने वाले हैं? जी शाम का वक्त है, 4 बजे के बाद का एग्जैक्ट जो टाइम है अभी वो सामने नहीं आया है, लेकिन आज मिलना तय है। और उससे पहले प्रदर्शन किया जाएगा, सारे सांसद जो है वो प्रदर्शन पर बैठेंगे। लेकिन इसकी जो कल देर रात मीटिंग हुई थी, और सुबह एक मीटिंग सांसद करेंगे, उसके बाद ही आज की पूरी रूपरेखा तय होगी। जी शुक्रिया, कथा বলছিলাম প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুরের সঙ্গে। একদিকে যেরকম রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করবেন তৃণমূল সাংসদরা, 4টের পরে দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ত্রিপুরা যাচ্ছেন, তার একাধিক কর্মসূচি, পদযাত্রা, যদিও সেই পদযাত্রার অনুমতি নেই, তবে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। আক্রান্তের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও দিল্লি সফরে রয়েছেন, এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও নালিশ জানাবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে সাংসদদের পক্ষ থেকে, তবে এখনো পর্যন্ত সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ারও চিন্তা ভাবনা করছে তৃণমূল সাংসদরা, এমনটাও কিন্তু জানা যাচ্ছে।